है कि कल हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के 11 लाख अभ्यर्थियों के पास बस की एडवांस बुकिंग के लिए आज शाम 5 बजे तक का समय है। सरकार की ओर से सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए 15,400 बसों का इंतजाम किया गया है। परेशानियां होने पर अलग अलग जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर फोन करके अभ्यर्थी परेशानियों से बच सकते हैं। बुकिंग के लिए रोडवेज के सभी महाप्रबंधकों को डिपो व सब डिपो के बस अड्डों पर एडवांस सीट बुकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि 4 नवंबर को शाम 5 बजे तक डिपो व सब डिपो में जाकर एडवांस बुकिंग करते हुए अपनी सीट नंबर सुरक्षित कर लें। और इस टेस्ट के चलते सुबह से ही पानीपत डिपो पर अभ्यर्थियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ज्यादातर अभ्यर्थी गुरुग्राम से नजर आए। वही घंटों इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने जब व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए तब वो सभी बड़े परेशान नजर आए। वही व्यवस्थाएं बिगड़ते देख पानीपत डिपो के जीएम फिर मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को जानकर लताड़ा। जीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि वह व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी नहीं होने देंगे। 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो पानीपत से इन 5 सेंटर पे पेपर देने के लिए जाएंगे, उन सब के लिए हमने 210 बसों मतलब 75 रोडवेज की है और उसके अलावा प्राइवेट सोसाइटी की बसें हैं, अलग अलग हैं उसमें डाटाज, और कुछ हमने स्कूलों की बसें हायर करी हैं और कुल मिला के 210 बसों का व्यवस्था हमने करी है। तो सभी प्रार्थियों को हम सेंटर पे सुविधाजनक अच्छी परिवहन सुविधा देने के लिए वचनबद्ध हैं और अच्छी व्यवस्था कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। पानीपत डिपो से 200 से ऊपर बसें चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि वह हर एक अभ्यर्थी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। इसमें कुछ नहीं है, प्रार्थी होते हैं थोड़े पैनिक हो जाते हैं कि जैसे पीछे हम रह ना जाएं, ऐसा होता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और शुरू में जब कोई व्यवस्था लगाते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सुचारू रूप से चल रहा है सब। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी दहलका। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।